कि ये 47 की बात है, 15 अगस्त को हिंदुस्तान पाकिस्तान का टुकड़े हो गए थे, तो उस वक्त आचार्य भगवान विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब का चतुर्मास वहाँ था, और इसके साथ ही साध्वी महान साध्वी देवश्री जी महाराज का भी चतुर्मास वहीं था। उस वक्त हमारे संगाड़े में सबसे टॉप के यही थे। तो जो ये घटना हुई थी उसमें भाई बड़े चमत्कार हुए थे, क्योंकि मैं उस वक्त 6th क्लास में श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल में पढ़ता था, और मैंने अपनी आँखों के सामने गोलियाँ चलते हुए और तलवारें चलते हुए और आगजनी देखते हुए कैसे मिसालें ले लेकर लोग मुसलमान जाते थे, और डेढ़ डेढ़ दो दो सौ आदमी होता था, और एकदम वो अल्लाह हो अकबर कहते थे और हमारे मोहल्ले से निकलते थे। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस सारी टाइम के अंदर एक भी किसी भी जैन का या जो भी यहाँ शरावक थे गुरुदेव का, किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। तो ये गुरुदेव का चमत्कार था, उनका तप था, उनका संयम था, उनकी आराधना थी, उनका जो चमत्कार था वो हमने अपनी आंखों से देखा। तो जब इनको एयरलिफ्ट करने के लिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर आचार्य जी को, वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब को, मोरारजी साई, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी कई थे, वो इनको एयरलिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब तक ये समाज के आदमी यहाँ हैं, एक भी यहाँ पर व्यक्ति है, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊँगा। अल्टीमेटली 14-15 ट्रकों का इंतज़ाम किया गया, जिसमें सबको बिठा के प्रोसीड किया गया। अब इस घटना के बाद जो पाकिस्तान में इधर से मुसलमान गए थे वो बहुत खूंखार हो चुके थे, कि उन्होंने बाकियों को भी मिला के कहा कि ये लोग जा रहे हैं, हमने सबको काट देना है, मार देना है, लूट लेना है। तो वहाँ से समाधि आत्माराम महाराज जी की 1.5 किलोमीटर के ऊपर थी, तो गुरुदेव वहाँ से समाधि में आए, दर्शन किए, और सड़क से वो कोई 200-300 मीटर के ऊपर थी। तो जब निकले तो लोग रोने लग गए, तो उन्होंने कहा क्या बात है, तो कहने लगे जी आगे नहर है, उसके आगे समाधि के 1.5 किलोमीटर पर हमारा गुरुकुल था, आत्मानंद जैन गुरुकुल, और 4 किलोमीटर के ऊपर नहर थी जिसमें पानी चलता था। तो वो कहने लगे जी नहर के ऊपर 4-5 हज़ार मुसलमान इकट्ठा हुआ है, और उनके हाथ में बंदूकें हैं, तलवारें हैं, और वो कहते हैं सबको मारना है और काटना है और लूटना है। तो ऐसी बात सुनकर सारे लोग परेशान हो गए, आँखों में आंसुओं की धारा आ रही थी। तो गुरुदेव को जब ये बात कही तो गुरुदेव ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद जब उन्होंने आँख खोली तो इतनी देर में सड़क के ऊपर एक कॉन्वॉय जा रहा था मिलिट्री का, जिसके कमांडर एक सरदार जी थे, उनकी पत्नी थी। तो जब वो उन्होंने देखा तो वो गुरुदेव के पास आए, तो उनकी पत्नी ने कहा कि ये बहुत बड़े संत हैं, और ये साध्वी जी भी बहुत बड़ी ऊंची विदुषी साध्वी हैं, हमने इनके सियालकोट में दर्शन किए थे। गुरुदेव ने कुछ देर पहले वहाँ सियालकोट में प्रतिष्ठा कराई थी, बड़ी धूमधाम से वो प्रतिष्ठा हुई थी, उसके बाद हो सकता है उन्होंने वहाँ उनके दर्शन किए। तो वो गुरुदेव के पास आए, वंदन किया, उनको कहने लगे गुरुदेव आप कहाँ जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा हम अमृतसर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम आपको एस्कॉर्ट्स करके लेके चलते हैं। तो वो कॉन्वॉय आगे चला, गुरुदेव ट्रकों के साथ पीछे चले। जब नहर के करीब पहुँचे तो उन्होंने अनाउंस किया कि भाई सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो सबको हम भून देंगे। तो उनकी आवाज़ सुनने के बाद सब लोग तितर बितर हो गए और कुछ नहर में गिर गए। इस तरह गुरुदेव को और सारे वो 14 ट्रकों को वो ले के शाम को, रात को लाहौर पहुँचे। लाहौर वहाँ से कोई 40-50 किलोमीटर दूर था गुजरन वाला से, तो वो वहाँ पर पहुँचे। रात को गुरुदेव वहाँ रहे, उसके बाद उनको पता चला कि यहाँ 13 साधी अनमोलक मुनि महाराज साहब हैं, उन्होंने कहा इनको भी लेके चलना है। उनको भी पिकअप किया, लेके फिर वो अमृतसर पहुँचे। अमृतसर
बहुत अच्छी तरह पहुंच के सुख साता के साथ फिर साध्वी देवश्री महाराज जी ने उनसे कहा कि गुरुदेव आप हमको बचा के लाए हैं, आपका बहुत आभार है। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आपका संयम तप ब्रह्मचर्यशील आप हमें बचा कर लाई हैं। तो ऐसे गुरुदेव के विचार थे और ऐसा वो मान सम्मान साध्वियों का करते थे। तो इस तरह से वो वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद फिर आगे जैसा भी प्रोग्राम हुआ, कुछ देर रहने के बाद फिर वो बॉम्बे वगैरह इधर उधर चले गए। और ये फैक्ट है कि हम लोग बिल्कुल सब कुछ छोड़ के आए थे, बंगले गाड़ियाँ और सब कुछ, दुकानें ऑफिस सब कुछ छोड़ के आए थे, बिल्कुल खाली हाथ एक किस्म के आए थे। लेकिन ऐसा धर्म का प्रताप, गुरुओं का प्रताप कि सब चंद सालों के बाद ही और भी ऊंची बुलंदियों पर पहुंच गए। तो इसको मैं गुरुदेव का एक आशीर्वाद समझता हूं कि जो जिस तरह से हम लोग निकल के आए और इतनी दुर्दशा थी हम लोगों की, कुछ भी नहीं था, और फिर चंद सालों के बाद उनकी कृपा से हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए। लेकिन उन्होंने जो उपकार किए और जो देश के लिए किया, वो समाज के लिए किया, जो रूढ़िवादता थी, जो अंधविश्वास था, उसको उन्होंने सबको समाप्त किया। और उन्होंने जो संगठन के लिए, सेवा के लिए और शिक्षा के लिए काम किया, वो अद्वितीय है और उसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। उस वक़्त के अंदर आज से 80 साल पहले कैसे उन्होंने शिक्षा के लिए कहा, वो यही चाहते थे मेरा देश का, मेरे भारत का कोई भी आदमी भूखा ना रहे, अज्ञानी ना रहे। प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव आपकी कृपा इस देश पर, इस समाज पर, हम पर बरसती रहे और हम परमात्मा महावीर के और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर मोक्ष गामी है ना, उसकी यह ही मूल डंडी है और यह मूल डंडी आज की तारीख में मेरे पास में है और ये हमारी गुरु परंपरा से आई हुई डंडी है और इस रीति से आज मैं यह डंडी इन्हीं के ही सामने रखते हुए इनसे प्रार्थना करता हूँ संपूर्ण जैन समाज की ओर से। गुरुजी महाराज, मैं और मेरे साथ में उपस्थित सभी मुनिजन और सभी यात्रालुजन, यहाँ के म्यूजियम घर के अधिकारियों के सामने हम गुरुजी महाराज साहेब संपूर्ण जैन समाज की ओर से आप श्री जी को प्रणाम 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 करते हैं, वंदन करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं और आप श्री जी से सदा 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 के लिए शुभ आशीर्वाद की याचना करते हैं गुरुदेव श्रीमद लक्ष्मी विजय जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री कुमुद विजय जी महाराज की जय, बोलो श्री बुद्धि विजय जी महाराज की जय, बोलो श्री मणि विजय जी महाराज की जय। वंदन हमने जो सबसे पहली बात की वो सभी जनों की ओर से की है, यह भी आपको हम विश्वास दिलाते हैं हम सभी जन स्वस्थ हैं, इतना ही नहीं हम सभी जन आनंदित भी हैं। और जिन्होंने हमको बुलाया यहाँ पर पाकिस्तान में, जिन्होंने हमको बुलाया भैया वे ये स्वयं हैं, हमको जो लाने वाले हैं वो अश्विन, हरि, पंकज, समीर, ये प्रमुख लोग हैं। परंतु यदि इसने हमको आमंत्रण न दिया होता तो शायद हम न आ पाते।
हम इनको भी और उनको भी धन्यवाद देते हैं। आसमान और धरती जैसे हिंदुस्तान की एक है, वैसे ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अमेरिका, बंगाल, सब जगह एक जैसी धरती है, एक जैसा आसमान है। हम सभी जन बस उसी आसमान और उसी धरती पर है, उसी आसमान पे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।